वास्तव में ध्यान है वह बहुत ऊंची अवस्था है, और यही ध्यान की अवस्था आगे चलकर समाधि में परिवर्तित हो जाती है। इसमें सुन हो जाना नहीं होता कि बाहर का कुछ ज्ञान ना रहे, बाहर की आवाज़ भी सुनी जाती है, परंतु स्थिरता प्राप्त हो जाती है। जाप ध्यान में बहुत तीव्रतर वेग से होने लगता है, ताल सहित सुर सहित। इसकी विधि अलग से गुरु महाराज ने सारी वर्णन की हुई है। ये होगी कैसे? सर्वप्रथम कंडीशन यही है, गुरु मुख से ले शब्द को, हो जा सदा निर्भीक। सिद्ध कामना कीजिए, वृत्ति अपने ठीक से टिकानी होगी, फिर उस आत्म पद को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? सुदृढ़ ध्यान जमाए, आत्मा से बात करनी है तो ये दृढ़ता की, लीनता की लय अवस्था में आत्मा से बात होती है, गाइडेंस मिलती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, वार्तालाप होता है। इसका वर्णन साधक किसी से नहीं करता। अनुभूतियां अपने आप भीतर शांत होने लगती हैं और वह सदैव प्रसन्नचित, मुखमंडल का प्यारापन, मौन, यह गुण उसमें अपने आप आ जाया करते हैं। चर्चा नहीं करता। तो साधक का कार्य है इस अवस्था की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को सचेत करना। हे मेरी आत्मा, तू तो नाश उत्पत्ति रहत है, तेरा तो कभी नाश नहीं होना, ये शरीर नश्वर है। हे मेरी आत्मा, तू तो अपने ज्ञान को पहचान, तू अपनी स्थिति को जान, तू आदि अंत से पार है, तेरा ना आदि ना आरंभ है ना तेरा अंत है, और तू मेरे इस पंच भौतिक धाम में विराजमान है। तेरे में विकार नहीं है, तू शूरवीर है, तू अपनी शक्ति को पहचान, तू महाशक्ति का मूल है, जड़ है महाशक्ति की। सारी शक्तियां तेरे से तो आरंभ होंगी, क्योंकि तू मूल है, सारी शक्तियों की जड़ तू है, और तेरे से तू ही छुपा हुआ है। किसमें? ये माया रूपी बादल छाए हुए हैं जो, तो उसमें विचरने लगा है। अपने स्वरूप को तू भूल चुका है, अभय केसरी तू सिंह समान है, तू विषय वासनाओं के वश जो मानव कुकर कर्म कर रहा है और मार तू सह रहा है, सिंह सूर में वीर तू, अपना पल्ले चीन,
मृग दल में चरना तज सिंह, हे मेरे आत्मा, इन विषय वासनाओं में ये मृग तृष्णा, ये इसमें तू चरना तज दे, इनका संग ना कर। नहीं कभी हो दीन, तू तो सिंह समान है, तू दीन क्यों बना हुआ है? कायरपन को छोड़ दे, हे मेरी आत्मा, इस कायरपन को तू छोड़ दे। जो है अविद्या भूल, तू तो शूर सुवीर है, महाशक्ति का मूल, हे मेरे आत्मा, तू अपनी शक्तियों को पहचान। तेरी गहरी जो नींद है, तू इसमें जो विचरने लगा है, तेरी गहरी नींद में लुटा बुद्धि धन प्राण, विषय लुटेरे ले गए तेरा शुद्ध सुज्ञान, ये विषय वासनाएं, ये लुटेरे तेरा शुद्ध ज्ञान भी लूट कर ले गए। ये माया रूपी ठगनी, माया ठगनी ठग गई, पर्दा अविद्या डाल, शंका संशय छोड़कर तुझ पे अपना बाल, हे मेरे आत्मा, ये माया तुझे ठग रही है, तू चेत जा, तू सचेत हो जा, ये सारे कुछ भी नहीं रहेंगे, केवल तू ही एक शक्ति है जिसका नाश नहीं होने वाला, तेरे को आग नहीं जला सकती, पानी तुझे नहीं भिगो सकता, तीखे शस्त्र तुझे नहीं काट सकते, हवा तुझे नहीं सुखा सकती, तू तो अमर अविनाशी तत्व है, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरा वास कहाँ है? आत्मा का वास नैनों में है वास्तव, जो है तेरी सेज, तेरे अपने आप का इसमें चमके तेज। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के सुंदर नैन, आत्मा जागृत, किस प्रकार तेज महाराज के नैनों में, वास्तव में वह आत्मा जागृत नैनों में वास, और आत्मा का मंदिर निवास स्थान वैसे कहाँ है? भाल, ये माथा, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के इस भाल को, इसका त्राटक कीजिए, इसमें जो चमक है वह आत्मा चमक रहा है, नैन चमक रहे हैं, वह आत्मा का चमक है जो उन्होंने जागृत कर रखी है। ये जो सामने गुरु महाराज का, प्रेम जी महाराज का चित्र है, तो इस इनके भाल पर जो चमक है, ये सदैव इसी प्रकार से चमकता था। इस चित्र में भी वह चमक स्पष्ट रूप से उसके दर्शन होते हैं, और उनके नेत्र क्या ज्वलंत दीप प्रकाशित, ये चिन्ह है जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, और इसको जागृत करने का आरंभ नाम सिमरन ही है, नाम जाप ही है, और पूर्णतः
इसकी ज्योति को प्राप्त करना अर्थात इसको प्रकाशित करना ध्यान सर्वोत्तम माध्यम है जिससे आत्मा जागृत होती है। तो ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी आत्मा को सचेत करना, उसे जगाना, ये अध्ययन साधक को स्वयं करना चाहिए और उत्कंठा होगी अपने आत्मा के दर्शन, वह प्रकट रूप से सम्मुख उसके दर्शन और उससे पात, ये जो लीनता की लय अवस्था है ध्यान की, इससे ये बड़ी सुगमता से अपने आप प्राप्त हो जाती है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम।